بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال دار المسموكات دار المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں 15ویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور گفتگو حکمت پر ہے کہ قرآن نے جس طرح سے حکمت کی تعریف کی اور جس طرح سے حکمت کی مثالیں دیں اور جس طرح بعنوان حکمت سورہ بنی اسرائیل اور سورہ لقمان میں اس لفظ کے ساتھ احکام دیے وہ یقیناً قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب ان آیتوں پر تلاوت کے دوران میں آپ پہنچیں تو نہایت رک کر غور کرتے ہوئے اس کے ترجمے کے ساتھ معنی کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش ہو. چند باتیں آغاز میں یاد رکھنے کے قابل ہیں. سب سے پہلے یہ
कि जैसा कि अर्ज किया जा चुका कि हिकमत के दाइम हिकमत के अज्जा सफाए जहन जुकाए नफ्स हुस्न तअक्कुल हुस्न तहफ्फुज़ है कि उससे मुराद ये है कि इंसान अशिया को देखता है या किसी की बात सुनता है या हवास से किसी इल्म को हासिल करता है तो उसके नफ्स में इतनी तहारत हो इतनी सफाई हो इतनी जिला हो कि जो देखे उसकी हकीकत को पहुंचे जो सुने उसकी हकीकत को जाने जिस शय पे नजर जाए उसकी माहियत तक वो नजर दर आए और इसके बाद किसी नतीजे पर वो पहुंचे तो अपने तवील तजर्बे को अपने पुख्तगी फिक्र के साथ कम से कम लफ्जों में अगर वो दोहरा दे तो उसको हिकमत कहते हैं। और ये वो हिकमत है कि जिससे हर इंसान अपने इल्म में इजाफा करता है और यही वो इजाफे इल्मी है कि जिसके लिए हम शब रोज बेचैन हैं। मासूम का इरशाद है कि मनिस्तवा यौमाहू फहुआ मगबून जिसके दो दिन बराबर गुजर जाएं, यानी जिस तरह कल का दिन गुजरा आज का दिन भी गुजर जाए तो समझ लो धोखा खा गया। यानी अगर आज वो कुछ इजाफा न कर सका इल्म में, गुजरे हुए दिन के इल्म में अगर आज इजाफा न हो सका तो फरमाया मगबून है धोखा खा गया। मनिस्तवा यौमाहू फहुआ मगबून जिसके दो दिन बराबर गुजर गए वह मगबून है। उसके बाद इरशाद फरमाया मन काना यौम हिल आखिर शर यौमैन फहुआ मलऊन और जिसका दूसरा दिन जो गुजर रहा है अगर पहले दिन से बदतर गुजरे, यानी पहला दिन कुछ उसने इल्म में बसर कर उसने किया है पहले दिन को और सर्फ किया है इल्म के हुसूल में मगर दूसरा दिन बेकार गुजर गया। इरशाद फरमाया वो मलऊन है रहमत से दूर है इसलिए कि आज इजाफा न हो सका। इसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि मन लम यारिफ उस ज्यादत व नुकसान जो ये न पहचान सके कि मेरे इल्म में ज्यादती हुई या कमी हो गई। इरशाद फरमाया फल यत्लुबिल मौत वो मौत की तमन्ना करे, वो मौत की तमन्ना करे जो अपने आप को ये न पहचाने कि आज मेरे इल्म में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, मैंने कुछ कमी तो नहीं की हुसूल में। तो आप देखें इतनी हिदायतें आपको अपने मासूम से मिलती हैं जो सिवा आपके ना ऐसी हिदायतें किसी को पहुंची न किसी और कायद ने अपने मानने वालों को ये हिदायतें दी। तो ऐसी मंजिल पर कि जहां मासूम यह फरमाते हो कि हमारी जबान पर गौर करो, हमारी फसाहत पर गौर करो, हमारे मानी पे गौर करो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान मजीद में मुतशाबे और मोहकम है इसी तरह कलाम रसूल में मुतशाबे और मोहकम मुतशाबे और मोहकम है। यह ना समझो कि रसूल का हर कलाम मोहकम है, उसमें पर्दे हैं, उसमें अस्तार हैं, उसमें हिजाब हैं, उन हिजाब को उलटना पड़ेगा। दायरे के पैगंबर का नुत्फ वही है, नुत्फ वही है, इसलिए कोई वही को घेर नहीं सकता। बहुत सादी जबान, बहुत सादा लफ्ज, बहुत आसान जुमले, मगर इसके बावजूद आपको मालूम है हमारे उलमा को मुसलसल किताबें लिखनी पड़ी, खुसूसन साहिब नहजुल बलागा सैयद रजी ने अकवाल पैगंबर पर एक किताब लिखी मुजाजात नबविया के इरशादात पैगंबर के ईजाज का क्या हाल है।
الف ی جیم الف ز، یہ ایک لفظ ہے کہ اتنا مختصر کلام ہو اس کو ایجاز کہتے ہیں جو اعجاز بن جائے، وہ ایجاز ہے جو اعجاز بن جائے. مجازات النبویہ یہ سید رضی کی کتاب ہے، اقوال قطمی مرتبت پر، جیسے امیر المومنین کے اقوال پہ انہوں نے کتاب لکھی ویسے ارشادات قطمی مرتبت پہ بھی کتاب لکھی. تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام پیغمبر میں متشابہ بھی ہے اور محکم بھی. بالکل اسی طرح معصوم نے جب معصوم کی طرف رہبری کی تو گیا اپنے آپ کو بھی پہچنوا دیا کہ میرے کلام میں بھی متشابہ اور محکم ہے. آج اگر سمجھ میں نہ آئے تو ممکن ہے ہزار برس کے بعد سمجھ میں آئے، اور اگر اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو پھر شاید عقل انسانی اور اتنی مکمل ہو جائے کہ پھر کچھ صدیوں کے بعد میرا کلام سمجھ میں آئے، اس واسطے کہ ہم کو قیامت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ہمارے اور قیامت کے درمیان کوئی اور آنے والا نہیں ہے. تو ان تمام امور پر اگر نظر ہو اور انسان فکر کرے تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ دل، یہ سچ کہا اقبال نے، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں. دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں. اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. مقام جہاد پر صبح عاشور قیامت تک کے لیے محکم ہے علی اکبر کی اذاں. اب اس پر جتنی گفتگو بھی ہو سکے اس کی تفصیل تک پہنچنا ناممکن ہے. بہرحال یہ مجاہد کی اذان تھی. ایک مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس شان سے اذان دی گئی. بہرحال وہ صبح مسجد کوفہ ہو، مسجد کوفہ کی صبح ہو کہ عصر مقتل، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی جہاد ہے یہاں بھی جہاد ہے، وہاں بھی اذان ہے اور یہاں بھی ایک اذان کا سلسلہ ہے. تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ چشم نگراں ڈھونڈیں، چشم نگراں ڈھونڈیں تاکہ یہ آنکھیں علم کی تلاش میں، علم کی تلاش میں صرف کسی کی صورت پر نہ رکیں بلکہ اتنی نظر تیز ہو کہ بولنے والے کی صورت کے ساتھ ساتھ اس کا دل سامنے آ جائے، اتنی آنکھیں تیز ہوں. اسی لیے مومن کی تعریف امیر المومنین کہتے ہیں اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور الله، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، فراست مومن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس لیے میرے مولا نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن سے گم شدہ ہے. عجیب جملہ، مومن سے گم شدہ ہے، مومن کی ایک گم شدہ شے ہے. جیسے آپ نے کسی چیز کو کھو دیا. الحکمت ضالۃ المومن فخذوها من حیث وجدتموها، جہاں ملے لے لو.
یہ نہ دیکھو کہ وہ کس طبقے کا ہے، کس فرقے کا ہے، کس خیال کا ہے، کس مسلک کا ہے، وہ تمہارا ہی مال ہے۔ الحکمت الضالت المؤمن فخذوها من حيث وجدتموها، جہاں ملے تم اس کو لے لو۔ اور اسی واسطے حلال مشکلات کے ارشادات میں ہم نے وہ مسائل دیکھے، وہ معنی پائے کہ آج تک ہر سوچنے والے کے لیے ایک اعجاز ہے، وہ ایجاز کلام، وہ ایجاز کلام ایک اعجاز ہے۔ ظاہر ہے کہ نوجوان شاداب دماغ یاد رکھ سکتے ہیں، چند میں جملے اس سلسلے کلام میں بطور تمہید آپ تک پہنچا دوں، تو ان جملوں کو پیش نظر رکھیے، یاد رکھیے کہ کن مختصر لفظوں میں کتنے طویل تجربات کو چھپا کر ایک رمزیت کو آپ کے حوالے کیا، ارشاد فرمایا تکلمو تعرفو، دو ہی لفظ، صرف دو لفظ، امین المومنین کا جلد، تکلمو تعرفو، تم بات کرو اور پہچانے جاؤ، جہاں زبان کھلی اور تم پہچانے گئے۔ کتنی عجیب بات ہے، تکلمو تعرفو، دو جملے، دو لفظ، بات کرو، کلام کرو اور پہچاننے والا پہچان لے گا کہ کس منزل پر، کس منزل پر۔ اس لیے حرف سلونی آسان نہیں ہے، حرف سلونی آسان نہیں ہے، اسی دعوے نے بہت سو کو سر منبر رسوا کیا ہے۔ رسوا کیا ہے، کسی موقع پر وہ واقعات بھی آپ کے سامنے آ جائیں کہ میرے مولا کی تقلید میں اور قرآنہ تقلید میں کس کس نے سلونی کہا، اور اس کے بعد کیا مصیبتیں اس کو اٹھانی پڑی۔ اس کو ایک موقع پر اسی انہی مجلسوں میں اگر ممکن ہو سکے، یا پھر کہیں جہاں امیر المومنین کا ذکر ہو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ ذات گرامی ہی ایسی کہ جس نے نقالی کی ٹھوکر کھائی، جس نے نقل اتارنے کی کوشش کی اسے ٹھوکر کھائی۔ اور اب دیکھیے، تکلمو تعرفو، کلام کرو پہچانے جاؤ، دو لفظ۔ یاد فرمایا الغیبت و جہد العاجز، کمزور انسان کی حد غیبت ہے، پیٹھ پیچھے برائی جو کرے سمجھ لو کمزور ہے۔ الغیبت و جہد العاجز، عاجز کی کوششوں کی حد غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، قوی انسان غیبت نہیں کرتا۔ وہیں سامنے گفتگو ہوتی ہے، الغیبت و جہد العاجز۔ آپ نے دیکھا طویل تجربوں کو ایک جگہ کیا اور رمزیت دے دی، پھر ارشاد فرمایا لسان العاقل وراء قلبه، عاقل کی زبان دل کے پیچھے ہے، یعنی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ وہ قلب الاحمق وراء لسانه، اور احمق کا دل زبان کے پیچھے ہے، پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے، لسان العاقل وراء قلبه، وہ قلب الاحمق وراء لسانه، احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، وہ پہلے تو کہہ دیتا ہے پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا کہا، اور عقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے۔ یہ انہی کی شان قطابت ہے، شان کلام ہے، شان تقاطب ہے، کہ جہاں عجیب منزل پر آ کر کچھ اور جملے بھی ارشاد فرمائے گئے۔
और उस उन जुमलों को चाहिए कि सुनने वालों के दिल न फकत महफूज करें बल्कि आप बड़ी अमानत और दियानत के साथ उनको मुंतकिल करने के काबिल भी बन सकें कि ये अमानत है लीजिए, हम हवाले करते हैं, एक नस्ल दूसरे नस्ल को यह पैगाम दे। अजीब मंजिल कर शाह फरमाया कि अल वलाया तो मजामीरुर रिजाल, अल वलाया तो मजामीरुर रिजाल, हुकूमतें या इख्तदार इंसान की कसौटी है, इख्तदार इंसान की कसौटी है। मिलने के बाद इंसान का क्या हाल होता है, न मिले तो इंसान क्या करता है। अल वलाया तो मजामीरुर रिजाल, इख्तदार इंसान को परखने का आला है कि इख्तदार पर पहुंच कर क्या करता है, न रहे इख्तदार तो क्या होता है। क्या अच्छी बात है, जरा अपने तजुर्बों के साथ इस जुमले को मिला के सोचिए तो पता चलेगा कि कितनी बातें इस जुमले में पोशीदा हैं। और इसी तरह से एक और मकाम पर बड़ा अजीब जुमला कहा, बड़ा मुख्तसर जुमला कहा, जरा याद रखिए। इरशाद है मन सार अल हक वा तलिफ रे आई, मन सार अल हक सराहु, जो हक से लड़ पड़ा उसको हक ने पछाड़ दिया। मन सार अल हक सराहु, जो हक से लड़ता है उसको हक पछाड़ देता है, उसको हक पछाड़ देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हक से लड़े और हक को शिकस्त दे दे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हक को शिकस्त दे दे, जो हक से लड़ता है हक उसको पछाड़ देता है। और इसी मंजिल पर जहां फिक्र अलवी आगे बढ़ती है, इरशाद फरमाया अद्दहरो यौमान, दुनिया के दो दिन, दुनिया के दो दिन, यौमुन लका यौमुन अलैक, एक दिन वो जो तेरा साथ दे, एक दिन वो जो तुझ पर आ पड़े। वह इजा काना लका फलाओ तप्तर, जो दिन तेरा हो उस दिन अकड़ना नहीं। वह इजा काना अलैक का, और अगर दिन तुझ पर आ पड़े फसबिर सब्र कर। दहर यौमान, दहर के दो दिन, ये इरशादात हैं कि हर इरशाद इसमें ऐसा एक चैलेंज है, ऐसा एक चैलेंज है। हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो किसी और का कलाम लाओ। ऐसे इरशादात कहीं और से ढूंढो, कहीं और पैदा करो। आपको मालूम होगा कि कहीं ये जुरात भी नहीं है, कहीं जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से 7000 से ज्यादा हिकमत आमेज कलिमात को आमेदी ने जमा किया। ये भी कदीम उलमा में से हमारे, इसकी शरहें लिखी गई, और फजवीनी की शरह जो अभी अभी आई है, और बहुत कदीम किताब खानों में ये कहीं छिप गई थी, दफन हो गई थी, अभी उसको निकाला गया, उसको ईरान ने शाया किया है 2 जिल्दों में। पता चलता है कि कितने हकीमाना इरशादात हैं और कितनी तवील शरहें हैं। लैसा कुल्ल मन रमा असाफ, हर तीर चलाने वाला निशाने पर तीर नहीं लगा सकता। लैसा कुल्ल मन रमा असाफ, हर तीर चलाने वाला निशाने को उड़ा नहीं सकता, यानी हर मकसद को लेकर दौड़ने वाला ये न समझे कि मैं मकसद पर फायल हो जाऊंगा। इज़ा तगय्यर सुल्तान तगय्यर ज़मान, जब हुकूमत बदलती है जमाना बदल जाता है, जब हुकूमत बदलती है निगाहें बदल जाती हैं। तो आपने देखा कि ये वो इरशादात थे कि जिन इरशादात से अम्मार, मैसाम, अबू ज़र, रुशायद हिजरी, हुजर इब्न उदैद, ये बराबर इल्म हासिल कर रहे थे। और इसी मंजिल पर
वो हिकमतें सलमान को मैसर थी, अबू जर को मैसर थी, कि जिन हिकमतों के साथ इन्होंने एक इस्तग़ना की कैफियत को देखा, अपने आप को दौलतमंद पाया, अपने आप को दौलतमंद पाया। अली का यह जुमला जिंदगी भर याद रखिए, कोई दौलतमंद है कोई गरीब है। इरशाद फरमाया तुम क्या पहचानो कि कौन दौलतमंद है कौन गरीब है। देखिए कितनी अजीब बहस है, कोई दौलतमंद है कोई गरीब है, मगर तुम कैसे पहचानोगे कि कौन दौलतमंद है कौन गरीब है। अलगिनाउ वल फक्र बादल अर्ज अल्लाह, अल्लाह के पास पहुंचने के बाद पता चलेगा कि दौलतमंद कौन है। उसकी बारगाह में पता चलेगा कि दौलतमंद कौन है। बहुत से फकीर होंगे जो वहां दौलतमंद होंगे, बहुत से गनी होंगे जो वहां फख्र की मंजिल पर आ जाएंगे। अलगिना वल फख्र बादल अर्ज अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में पेश होने के बाद गिना और फख्र का पता चलता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद ही बादल अर्ज अल्लाह, कोई तवक्कुल को अल्लाह के पास पेश करे, कोई अपनी दौलतमंदी को पेश करे, तो कहां से सनद मिलती है कि वाकई ये दौलतमंद है, वाकई ये फख्र रखता है। वो अमल है अलमाल वल बनून, ये कुरान की हिकमत है। जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद हयात दुनिया की जीनत है, हयात दुनिया की। मगर वल बाकियात सालिहात, यही बाकी रहने वाली नेकियां भी हैं। अगर यही मालो कानून सरफे मौला हो जाए, यही सरफे मौला हो जाए, तो बाकियात सालिहात हैं, हमेशा रहने वाली नेकियां हैं। तो इस तरह से हम तक वो इरशादात पहुंच रहे हैं, और आपके इल्म इत्तला के लिए जाहिर है कि आपके मालूमात में इजाफा होना चाहिए। और मैंने तो यही कोशिश की है हर मजलिस में कि कुछ न कुछ आपके इल्म में इजाफा हो। अब जदीद कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है कि सारे अइम्मा के इरशादात को 14 जिल्दों में जमा किया जाए, और उसका नाम रखा अक्वालुल अइम्मा, और इसकी 11 जिल्दें अब तक छप चुकी हैं, 3 जिल्दों का अभी इंतजार है। सब यही हिकमत से भरी हुई बातें, रब्बिका वब्दिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ मौइज़े हसना के साथ। فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما, हमने आले इब्राहिम को किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अजीम दिया। मगर आए क्यों शुरू हुई, अम यहसुदून الناس, क्या इंसानियत हसद करेगी, हसद करेगी कि हमने यह दिया। किसी को हसद है तो लाए वो हिकमत, किसी को हसद है लाए वैसी किताब, किसी को हसद है तो दिखलाए वो मुल्क अजीम और उसकी कैफियत। मगर जितनी बातें अब तक की गई हैं, इसी फिक्र के साथ आप उसको महफूज रखें कि ये हकीमाना इरशादात सिवा इस घराने के आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, इसलिए कि ये आले इब्राहिम है। इनकी सना दी है कि इनमें छोटा हो या बड़ा, वो 8 बरस के हो तकिया जवाब, या 63 बरस के हो अली जिब्न अबी तालिब, इनकी हिकमत एकसां है, हिकमत एकसां है। इसलिए कि आयत नस सरी है, फकद आतैना आले इब्राहिम अलकिताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अजीमा, हमने आले इब्राहिम को किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अजीम दिया। देखिए इस्तदलाल की इस मंजिल पर अब आले इब्राहिम की तारीफ अमीरुल मोमिनीन करते हैं, कहते हैं आले इब्राहिम को पहचाना तुमने, होम ऐशुल इल्म, वही घराना है जिनके आस्ताने पर पहुंचकर इल्म वज्द करता है, इल्म जिनकी चौखट पे पहुंच के वज्द करता है। होम ऐशुल इल्म मौतुल जहल, जहां जहल के लिए मौत है, उनके चौखट पर जहल की मौत है। अब देखिए हिकमत की गुफ्तगू कहां आती है, इरशाद फरमाया युखबिरुकुम हिल्महुम अन इल्मिह, आले मोहम्मद का इल्म बतलाएगा कि उनका इल्म कितना है। वो समतुहुम अन हिकम मंतिकहिम, वो चुप रहे तो पता चले कि कलाम में हिकमतें कितनी,
बस इतना ही अब करना चाह रहा था। युग्बिरुकुम इल्मिहिम अन इल्म, वो संतो हम युग्बिरुकुम इल्महुम अन इल्महिम, वो संतो हम अन हिकम मंतिकहिम, और उनकी खामोशी बतलाएगी कि उनके मंतिक में कितनी हिकमतें हैं। और उसके बाद हम ऐशुल इल्म मौतुल जहल, इल्म के लिए मकाम है वाइट है, जहल के लिए मौत। युग्बिरुकुम इल्महुम मन इल्महिम व संतुहुम मन हिकम मंतिकहिम, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि ये वो लोग कि ला युखालिफून अल हक, कभी इन्होंने हक की मुखालिफत नहीं की। इसके बाद का जुमला देखिए, ला युखालिफून अल हक वला यख्तलिफून फी, और हक के मामले में आपस में इख्तलाफ नहीं है, आपस में इख्तलाफ नहीं है। 11 हिजरी से 260 हिजरी तक का जमाना सही, या एक ही दौर में इख्तलाफ है। उन्होंने कहा हलाल है, उन्होंने कहा हराम है, उन्होंने कहा मकरूह है, उन्होंने कहा नाजायज है, उन्होंने कहा मुबाह है, उन्होंने कहा हमारे पास जायज नहीं है, उन्होंने कहा नमाज की शक्ल ये है, उन्होंने कहा नमाज की सूरत ये है। एक ही दौर के फुकहा ने इख्तलाफ किया, और यहां वो कि माल अव्वल ना ले आखिर ना, जो हमारे अव्वल ने कहा वो हमारे आखिर। माल अव्वल ना ले आखिर ना, जो हमारे अव्वल के लिए साबित है वही हमारे आखिर के लिए। और कभी कोई इख्तलाफ हक में नहीं है, ये उसकी जबान से जो आइम्मा का अव्वल है, यानी वो अपने इल्म के बिना पर कह रहा है कि आखिर तक यही होगा कि ला यख्तलिफून फी, ये आखिर तक इख्तलाफ नहीं करेंगे। इमाम तकी जवाब से दियत के मुतालिक पूछा गया, आठवें बरस, आठवें बरस के अगर कोई मैयत का सर कब्र खोद के काट ले तो दियत क्या है? आपने एक जवाब दिया, तो शक्ति मसाइल है, आपने कुछ जवाब दिया। ज़करिया इब्ने आदम ने कदमों पर सर रखा, काफर तुम रसूल मैं ज़ईफ हूं, 80 से ज्यादा मेरा सिन है। आपके जज से भी यही सवाल हुआ था, आपके जज ने भी यही जवाब, इमाम मूसी कादिम से ये पूछा दिया तुम। तो ये वो घराना है कि जहां ला यख्तलिफून फी, हक में इख्तलाफ नहीं, सबका तसव्वुर एक, सबकी फिक्र एक, सबका अंदाज बयान एक, सबकी गुफ्तगू एक, सबका मकसद एक, सबकी मंजिल एक, मतमह नजर एक, एक कारवान हयात है जो एक रास्ते पर जा रहा है, और सब मिलकर यह तय कर रहे हैं कि इसको मच्छर तक ले जाना। ऐसी मंजिल पर कुरान मजीद ने आवाज दी कि ये हमने हिकमत की बातें बतौर वही तुम तक पहुंचाई, और ये कमाल है हिकमत, कमाल है हिकमत है कि जहां इरशाद हुआ वो कदाओ रब को, तेरे रब ने ये फैसला किया अल्लाह ताबुदु इल्ला या के सिवा खुदा के किसी की इबादत नहीं होगी। यानी आगाज है हिकमत, 22 अहकाम है इन आयतों में, बनी इसराइल के सूरे में 22 अहकाम, और हिकमत क्या है बस उसी पर गुफ्तगू, और चंद अल्फाज में हम किसी मंजिल पर पहुंचे। वो कदा रब का अल्लाह ताबुदु इल्ला या, अल्लाह ने यह फैसला किया है ये सिवा उसके किसी की इबादत न की जाए, ये हिकमत है, ये हिकमत है। यानी एक के अलावा अगर कई तुम्हें तुम्हारे दिल और दिमाग में आ जाएं तो फिर तुम्हारी जिंदगी अजीरन होगी, इनसे भी डरोगे, उनसे भी डरोगे, उनसे भी डरोगे, उनसे भी डरोगे। जो एक का होता है वो हर एक से नहीं डरता। मकाम तौहीद मकाम कुव्वत है, ताकत की मंजिल है, ताकत का कमाल है। जहां तौहीद की मंजिल है वहां इंसान मुस्तगनी है, हर एक से लापरवाह है, सिवा अपने माबूद के उसकी गर्दन किसी के सामने नहीं झुकती। कजा और रब्बो का अल्लाह ताबुदु इल्ला या, अभी जुमला खत्म नहीं हुआ कि वह बिल वाले रहे हैं ऐसा ना, और मां बाप से नहीं कर।
और वालिदैन से नेकी करो। देखिए तौहीद का करीन बनाया और वालिदैन को, अब यह हिकमत की मंजिल देख। तौहीद का करीना दिया, अपना जिक्र किया, माँ बाप का जिक्र किया, मतलब ये कि खालिक हकीकी मैं, मजाज में वो फैज इलाही उस रास्ते से आया है। लुकमान ने कहा अनुशकुर ली वाले वालिदे, अगर मेरा शुक्र अदा करना है तो अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। इस तरह से साथ लिया माँ बाप, मगर मासूम से जब आयत की तावील पूछी गई, जब आयत की तावील पूछी गई तो मासूम ने अब खास तरीके फिक्र से आयत को महदूद किया, आयत को महदूद किया और कहा कि देखो जो मुवहिद नहीं, जो मुवहिद ही नहीं वो वालिदैन का क्या ख्याल करेगा। आयत को वो कज़ा रब्बों का अल्लाह ताबुदु इल्लाया वो बिल वालिदैन, जो मुवहिद नहीं है वो ख्याल नहीं करता, और जो मुवहिद है वो जानता है कि तौहीद की शान क्या है। इसलिए वालिदैन को समझो, इरशाद फरमाते हैं नूरुस्सकलैन के लिखने वाले और तफसीर साफी अली इब्ने इब्राहिम की तफसीर, तफसीर मीज़ान, जितनी तफसीरें खुली हुई हैं इन सब में कि इस आयत को पढ़ के इमाम ने कहा कि पैगंबर खुदा ने इरशाद फरमाया, इब्ने अब्बास रावी हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रावी हैं, अबू जर रावी है कि इस आयत को पढ़ के पैगंबर ने कहा अना वो अली अब हाजिल उम्मा, मैं और अली दो बाप हैं इस उम्मत के। तेरह हदीसें मुसलसल साहेब गायतुल मराम ने नकल की हैं, जहां आपने ये कहा कि मैं और अली दो बाप हैं इस उम्मत। अब बबिल वालिदैन एहसाना तौहीद से फकत करीना नहीं दिया, तावील इमाम ने माँ बाप के से एहसान करने को उधर तौहीद से मिलाया, इधर रिसालत से मिलाया, इधर इमामत से मिलाया। तौहीद से मिलाया, रिसालत से मिलाया, इमामत से मिलाया, और क्या तुमने पहचाना इसकी तावील क्या है। इसकी तावील यह है कि कोई अपने माँ बाप को काफिर नहीं कहता। कोई अपने माँ बाप को काफिर नहीं कहता। मैंने आपको किसी मकाम पे सुनाया था नस्टर पार्क की एक तकरीर में, उस जिस उनवान पे मैं गुफ्तगू कर रहा था वो आपको याद होगा कि पैगंबर खुदा की सवाने हयात किस तरह से लिखी जाए। उसमें मैंने सही मुस्लिम का एक हवाला दिया, याद पड़ता है कि सही मुस्लिम ने एक खास बाप कायम किया कि एक शख्स आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं इतनी इताअत करता हूँ, मैं इतनी अल्लाह की बंदगी करता हूँ, मैं अल्लाह के लिए इतनी खैरात देता हूँ मोहब्बत इलाही में। क्या तो मैं सब कुछ तो है मगर तेरा बाप तो जहन्नम में है। सही मुस्लिम वो बेख्तियार उसके मायूस चला। तो रहमतुन लिल आलमीन को, ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, रहमतुन लिल आलमीन को ये ख्याल आया कि मायूस हो गया, उसको बुला के कहा तू परेशान ना होना, तेरा बाप भी जहन्नम में, मेरा बाप भी जहन्नम में। सही मुस्लिम का चैप्टर है, पूरा चैप्टर मौजूद है कि जहां पैगंबर ने ये कहा, ये कहा। और यहां कुरान है वबिल वालिदैन एहसाना, आप समझे। तो इस तरह से माँ बाप से नेकी करो, और पैगंबर जो हिकमत का दरिया है, हिकमत से पुर वही आई है, और पैगंबर ये कह दें, देखा आपने वज़ हदीस का मकाम क्या है, कज़्ज़ाबी की कोई इंतहा है, वज़ाई की कोई इंतहा है कि इंसान इस तरह से वज़ा कर दे और पैगंबर का नाम लगा दे कि पैगंबर ने कहा तेरा बाप भी वही है, मेरा बाप भी वही है। तो आखिर इस तरह से क्या फायदा पैगंबर को क्या मिला, क्या बतलाना चाहते थे, यानी उसका दिल लेने के लिए अगर यह गुफ्तगू हुई। तो अब यह जमा करने वाला हदीस का यह जमा इसलिए करता है कि अगर कल गुफ्तगू फैले और बाप से चचा तक जाए
तो चचा वाली बात को छिपाने के लिए यह चाहता है रसूल की हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के लिए पेश कर दे कि पैगंबर तो खुद अपने बाप को काफिर कह रहे हैं। मगर हम इस हदीस से मरूब होने वाले नहीं हैं। हम कोई हदीस मरूब नहीं कर सकते, इसलिए कि वादा है, किस्म है, आयत के खिलाफ है, आयत के खिलाफ है। पहली आयत फकद आतैना आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमता व आतैना हुम मुल्क नज़ीमा। दूसरी आयत परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत में करार दे व फी ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी औलाद में उम्मत मुस्लिमा होगी। उम्मत मुस्लिमा है अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उम्मत मुस्लिमा से है अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम, उम्मत मुस्लिमा में से है हाशिम इब्न अब्द मनाफ, उम्मत मुस्लिमा में से है अबू तालिब, और इस तरह से ये सब के सब, ये सब के सब। तो बबिल वालिदैन एहसाना इरशाद फरमाया कि माँ बाप से नेकी करो, मगर ये भी तो सोचो कि मैं भी बाप हूं इस उम्मत का। अच्छा, आपका क्या ख्याल है अमली जिंदगी में, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? आपको मालूम है कि आपके लिए सियासी एतबार से आपकी अक्सरियत ने एक जमीन का टुकड़ा हासिल किया, एक जमीन का टुकड़ा हासिल, और उसकी तहरीक कायदे आजम ने की। आपने क्या लकब दिया? फादर ऑफ द नेशन। आपने कहा कौम का बाप है, और जिसने कयामत तक आपकी हिदायत की हो, देखिए हदीस की तरह, जिसने कयामत तक आपको संभाला हो वो बाप नहीं है। बाप क्या करता है? बाप सहारा है, बाप दिलासा है, बाप बेटे के दिल को कवी करता है। बाप जब तक जिंदा है बेटा मायूस नहीं है, बाप का सहारा है, बेटे का जिगर कवि है। अली बाप रसूल बाप, रसूल इसलिए कि कयामत तक के लिए रहमत, हर बेटे के लिए सहारा, और अली बाप इसलिए कि बदर में न होते क्या होता, खैबर में न होते क्या होता, खंदक में न होते क्या होता, इस्लाम कहाँ होता और मुसलमान फिर क्या करते। तो आपने देखा वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी हो। अब उसके बाद तफसील, उसके बाद तफसील कि अगर ये एक या दोनों ज़ईफ हो जाएं, ला तनहर हुमा झिड़कना नहीं, वला तकुल उफ़िन लहुमा, उफ़ ने कहे माँ बाप को, उफ न कहे, वक्तिर लहुमा जनाह ज़ुल्ल, और उनके सामने अपने गर्दन को और अपने सर को झुका कर रखियो, तवाज़ु पैदा करो, सरताबी न हो, और कुल रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और परवरदिगार ये कहते जाओ कि परवरदिगार इन दोनों पर रहमत कर जैसे इन दोनों ने हमारी तरबियत की। मकाम रुबूबियत को देखो, कुल रब्बी रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी, ये मेरे रब इन्होंने तरबियत की है, इनकी जो रुबूबियत मजाजी है उसकी वजह से इन पर रहम कर। रब हम हमाओ कमा रब बयानी सगीराओ, ये बड़ी नेकी की मंजिल, बड़ी नेकी की मंजिल है। इसलिए माँ बाप के साथ नेकी की आदत डालो, एहसान करो, माँ बाप की इताअत करो। जो अपने माँ बाप के साथ एहसान करेगा खुद उसकी निगाहें फैलेंगी, वो आगे बढ़ेगा, वो रसूल के माँ बाप की भी इज्जत करेगा, वो अली के माँ बाप की भी इज्जत करेगा। जो अपने बाप को बाप ना समझे, उससे क्या तवक्को की जाए, उससे क्या तवक्को की जाए
कि वो दूसरों की मंजिलत और कदर का ध्यान रखेगा, वो खुद अपने मुताल्लिक ही नहीं समझता है। नहीं तो और क्यों नहीं समझता, ये एक मुस्तकिल बहस होगी। क्यों नहीं समझता, ये एक मुस्तकिल बहस होगी, इसलिए कि घर वाला घर की हालत से बेहतर वाकिफ है। वो अपने घराने की कमजोरियों को जानता है, इसलिए वो अपने बुजुर्गों की कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों के बुजुर्गों में आयब ढूंढता है। इसलिए मुस्तकिल बहस होगी, इसलिए कि घर वाला घर की हालत से बेहतर वाकिफ है। वो अपने घराने की कमजोरियों को जानता है, इसलिए वो अपने बुजुर्गों की कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरों के बुजुर्गों में आयब ढूंढता है। इसलिए अबू तालिब के कुफर के डंके पिटे कि दुनिया किसी और के नसब नामे को न देखे, किसी और के नसब नामे को न देखे। हर एक परेशान, हर एक हिरासान, हर एक शर्मिंदा, हर एक नादिम कि ये गुफ्तगू क्यों छिड़ी, इसलिए उन्होंने रोका। सही मुस्लिम ने उनके मुतालिक लिखा, उलमा इस्लाम ने अबू तालिब के मुतालिक लिखा, ताकि दोनों के मुतालिक एक हद रखो कि ये मुसलमान हुए, ये मुसलमान हुए और इनके आबा में कुफर था। तो अब अर्ज करना यह है कि कुरान मजीद की आयतें सरीह इसके खिलाफ जा रही हैं, इसलिए हिकमत का तकाजा यह है, हिकमत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वालों, रसूल के माँ बाप को न भूलो, और अगर शबे जुमा अपने माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ते हो तो नबी के माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ो, अपने फातिहा में शरीक करो अली के माँ बाप को। इनका एहसान है, इनका एहसान है। अबू तालिब का जब इंतकाल हुआ, मैंने अर्ज किया था नमाज जनाजा तशरी नहीं हुई थी, मगर जब दफन का इंतजाम हुआ तो कतनी मतबत ने अपनी रिदा दी, और उसके बाद ये कह के हटे थे कि अबू तालिब खुद मैदान महशर में शफाअत करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं शफाअत करूंगा, ये खुद शफाअत करेंगे। और जब अली की वालिदा का इंतकाल हुआ था, जब अली की वालिदा का इंतकाल हुआ था, फातिमा बिनत सक्का तो मदीने में हुआ, नमाज जनाजा तशरीह पा चुकी थी, अमीर मोमिनीन की आंखों में आंसू थे, और जाहिर है बहुत कबीर उस्सिन होके जनाब फातिमा बिनत असद ने इंतकाल किया है। अमीर मोमिनीन जंग बदर से फारिग हो चुके थे, उहद की लड़ाई हो चुकी थी, और फिर इमाम हसन पैदा हो चुके थे, और ऐसे में जाके रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। तो आंखों में आंसू भर लाए, काली वो तेरी मां नहीं है, वो मेरी भी वाले। या अली, ये हदीस के अल्फाज, या अली, उसने अपने बच्चों को भूखा रखा है मुझे खिलाने के लिए, उसने अपने बच्चों को कपड़े नहीं पहनाए मुझे पहनाने के लिए। और ये कह के कहा कब्र खोदो, कब्र खोदो, कब्र खोदी गई। कहा और कौन से कहो गुस्ल दें, गुस्ल दिया गया, अपने दो पैराहन दिए, और कहा मेरी चची को ये इसका कफन दे, अपना अमामा दिया, कहा ये इसकी रिदा बनेगी। और उसके बाद जब कब्र बन चुकी तो पहले कब्र में खुद उतर गए, लेट गए, उसकी मिट्टी को साफ किया, और उसके बाद बाहर आते हुए कहा जमीन फातिमा से होशियार, फातिमा बिनत असद से होशियार। ये कह के कहा जनाजा तैयार है, कहा उसके बाद आपने नमाज पढ़ी।
یہ تاریخ میں پہلی نماز ہے جو نبی نے پڑھی ہے 40 تکبیروں کے ساتھ. تکبیر میں تکبیر پورے مسلمان حیران تھے. اللہ اکبر. نماز ختم ہوتے ہی مسلمانوں نے گھیر لیا کہ آج تک آپ نے کبھی اس طرح سے نماز نہیں پڑھی. کہا میں مجبور تھا, ادھر تکبیر کہہ رہا تھا ملائک کی اور صفیں آ رہی تھیں, پھر ان کے لیے تکبیر کہہ رہا تھا ملائکہ کی اور صفیں آ رہی تھیں, مسلسل صفیں آ رہی تھیں, مجھے 40 تکبیریں کہنی پڑی. یہ ہے فاطمہ بنت عفان. پالا ہے ابو طالب و فاطمہ بنت عفان نے محمد کو. محمد احسان نہیں مانیں گے؟ وبالوالدین احسانا, پیغمبر نے ان کے لیے اسی طرح سے سلوک کیا کہ جیسے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے, چچا کو ہمیشہ یاد کرتے رہے مرے دم تک, اور فاطمہ بنت عفان کو ہمیشہ یاد کیا اور کہا کتنا چاہتی تھی, کتنا پیار کرتی تھی, کتنی محبت سے پیش آتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ جس وقت دفن کیا اور چلے آئے تو اس کے بعد کہا کہ اب حج کے موقع پر ان کی طرف سے نیابت بھی ہوگی. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. امیر المومنین نے اپنے زمانے حکومت میں پیغمبر کے والدین اور اپنے والدین کی طرف سے نیابت کروائی ہے حج میں. آدمیوں کو بھیجا ہے کہ تم ابو طالب کے نائب ہو, تم فاطمہ بنت عفان کے نائب ہو, تم عبداللہ کے نائب ہو, تم نیابت کرو آمنہ بنت وہب کی, یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو معصوم نائب بنا رہا ہے, معصوم نائب بنا رہا ہے, کہیں تم تہمت کفر نہ دینا, کہیں ذہن میں یہ شائبہ بھی نہ آئے, گمان بھی نہ آئے. امام تقی جواد صلوات اللہ راوی خدمت میں حاضر تھا. سلام کے بعد امام نے پوچھا بہت دنوں کے بعد آئے, بہت دنوں کے بعد آئے. عرض کیا جی ہاں, یہاں زیارت کے لیے گیا تھا آپ کے جد کی زیارت. کہا پھر؟ کہا وہاں سے پھر حج. خدا وند عالم قبول کرے. اس نے کہا فرزند رسول میں نے ابو طالب کی طرف سے بھی حج کیا ہے. اتنا سننا تھا کہ کھڑے ہو گئے. کہا گلے تو مل. یہ جد کا خیال, یہ جد کا خیال. تو اس واسطے ایک میری ہمیشہ سے گزارش ہر ایک سچے مسلمان سے یہ رہی ہے کہ جب کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے, دعا شروع نہ کرے جب تک کہ پیغمبر کے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے, اور اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ نہ پڑھے جب تک کہ علی کے ماں باپ کے لیے فاتحہ نہ ہو جائے. اور کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے؟ ایک حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا, اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے لیے, یہ فاطمہ بنت عفان کے لیے, یہ ابو طالب کے لیے, اور یہ آمنہ بنت وہب کے لیے. اور یہ کہہ کے اگر آپ نے فاتحہ پڑھ دی تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں رسول خوش نہیں ہوں گے؟ رسول کے لیے مقام مسرت نہیں ہوگا؟ انتہائی مقام مسرت ہے رسول کے لیے. اور یہ جو زیارت ہے, یہ جو زیارت ہے, یہ جو حج ہے, اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے تاکہ آپ کو یہ سارے فاتحہ کا راز کھل جائے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حج واجب, حج واجب ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ جو حج کرے اور میری قبر پر حاضری نہ دے اس کا حج مردود ہے. رد کر دیا جاتا ہے جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے. اور ادھر قرآن مجید نے سورہ نساء میں کہا کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اذا جاؤ کا واستغفر اللہ, اگر تیرے پاس آ کے توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ واستغفر لهم الرسول, جب تک کہ اللہ کا رسول طلب مغفرت نہ کرے.
وددللہ توابا رحیما، اس وقت وہ خدا کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے اور رحیم پائیں گے. تو آپ کو معلوم ہے زیارت حج کر کے جو لوگ جاتے ہیں مسلمان، وہ کسی فرقے کے ہوں گے؟ قبر کے پاس کھڑے ہو کے سورہ نساء کی یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھنا ضروری ہے. وہاں آپ کو آپ کا وکیل یہ آیت پڑھوائے گا کہ یہ آیت پڑھو کہ جنہوں نے معصیت کی تو واستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے طلب مغفرت کریں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول مغفرت کریں، طلب مغفرت کریں. رسول تو مر چکے نا، رسول کا انتقال ہو چکا ہے نا، پھر یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ مقام زیارت ہے. آج سارے مسلمان متفق ہیں کہ قبر رسول پر اس آیت کو پڑھنا ہے کہ جو لوگ گناہ کریں اور توبہ کرنا چاہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جائیں، جاؤ کا تیرے پاس جائیں، اور پھر تو ان کے لیے طلب مغفرت کرے تو قبر پہ جائیں، اور نبی طلب مغفرت کرے، نبی طلب مغفرت کرے تو خدا توبہ کا قبول کرنے والا ہے. میری بحث کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو خداوند عالم حج نصیب کرے اور آپ جائیں، بڑا فریضہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت آپ کو پڑھنی پڑتی ہے، آپ سے توقع کی جاتی ہے آیت پڑھیں گے آپ، اور فقط اس لیے تاکہ حج مکمل، حج مکمل. تو پتہ چلا کہ نبی ہے، جب نبی موجود ہے اور کلمہ پڑھ رہے ہو اور گواہی دے رہے ہو تو پھر نبی کو زندہ رکھتے ہوئے کس کی مجال ہے جو نبی کے باپ کو کافر کہے؟ ممکن ایسا ہی مسلم میں ہو، مگر حیات رسول بھی تو ہے. مومن کو تو شرم آنی چاہیے، مومن کو تو شرم آنی چاہیے اس تصور کہ کلمہ تو آپ کا پڑھے اور یہ کہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. ایمان کی گفتگو کیا ہے؟ ایمان کی گفتگو کیا ہے؟ ارے جس کا ذکر خود ایمان، جس کا ذکر خود ایمان، وہ ایمان کی گفتگو کیا ہے؟ اور پھر ایک جملہ جو کہا جا چکا ہے اور وہ آخری جملہ ہے، آج میں پھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو سمجھنے کے دوران کبھی کبھی اس کو دہرانا پڑتا ہے. دیکھیے، آپ اگر اپنے گھر میں کوئی تقریب رچائیں اور کوئی مبارک کام آپ کے گھر میں ہو، تو آپ نے اپنے احباب کو بلایا، آپ نے احباب کو بلایا اور آپ نے دعوت نامے دیے. آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ رقعے چھپتے ہیں، رقعے چھپتے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے تقسیم بھی کیے ہیں رقعے اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ، اپنی گھر کی خوشی کے موقع پہ. مگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی رقعہ اپنے بیٹے کو دیا ہو کہ تمہارے نام سے رقعہ ہے، اپنے باپ کو دیا ہو کہ یہ آپ کی دعوت ہے، اپنے چچا کو دیا ہو کہ یہ تمہاری دعوت ہے؟ ہمیشہ بلایا جاتا ہے غیروں کو. تو دعوت اسلام گھر والوں کے لیے نہیں ہے، بلانا دوسروں کو ہے. گھر والے اس جب نور پیشانی میں آیا تھا اسی دن مسلم تھے. سیدی و مولایا و ربی، خداوندا ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، تعجیل فرما. أعوذ بالله السميع العليم.